सासुंटी लग रही है, देखने के कद्दी मेरे पाँव छू और ठीक है सासुंटी बढ़िया ठीक है ठीक है। ये समेटना काम चलाओ। बाड़ी उपाई थी, सोने रही है अब तो ला देंगे आपको, उसमें क्या है। और ठीक है आप बोलो, कुछ लोग आपके ब्लॉग को इतना पसंद कर रहे हैं, कुछ बातें करो बढ़िया बढ़िया, हाय बोलो उनको, हेलो बोलो कि मेरे दामाद जी की वीडियो देखते रहो, एडी चिज्जा बोलो क्यों, तो मेरे को कल पेमेंट भी आ गई तभी तो बोल रहा हूँ, बोलो कुछ, आपकी वजह से पेमेंट आ गई और क्या चाहिए, है? लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लॉग जो है आपके चलते हैं, लोग पसंद करते हैं आपके ब्लॉग को। हम हुए हैं ये तो कुछ ये तो नहीं मार दी कुछ ये तो नहीं मार दी ये वीडियो लग रही बंद है क्यों? अच्छा काम बोलो क्या करना है, ससुर जी गई है कुछ खाने को बनाया हुआ है, ये क्यों टांगे हुए इधर? अच्छा नींबू की डाली को सम्मानित किया गया है सासू आंटी के पीछे जाना पड़ना, सासू आंटी कहीं चले गए तुझे आने वे? ये देखो जी रंग करा दिया, शादी की पूरी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, जो व्लॉग मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और मैं थोड़ा लेट हो गया, पहले भी तो पेंट यही था ना, तो पेंट का काम चला हुआ है क्योंकि फरवरी में जो है शादी है यहाँ पर, और वो व्लॉग जल्दी आपको मिलने वाला है फरवरी में, ठीक है। और ससुर जी आने वाले गाली पड़ने वाली है मेरे को, ठीक है पापा चला भी तैयारी चली हुई है। पापा पेंट थोड़ा और नहीं हो सकता था डिफरेंट, मतलब उससे अलग है, नहीं पेंट तो बहुत अच्छा है ना ये, मतलब ये आपने पता है ये थोड़ी बहुत ऐसी लुक लगती है जो फॉरेस्ट उनके होते हैं ना, वो जैसे मैंने देखे उस टाइप का कलर कराया कुछ आपने, सरकारी टाइप होता है जैसे सरकारी टाइप है ना। तो टीवी चल रहा है नहीं चल रहा, प्रॉब्लम है डालो फिर गाड़ी में ले जाते सोलन, डालो दीदी गाड़ी में इसको सोलन ले जाते ठीक कराते फिर, क्योंकि दीदी तो दे आओ इधर सीमेंटने काम करो ही, ये होगी सुनन होगी बस, क्यों दीदी कहाँ की तैयारी हो रही है? हाँ रात को जाना नहीं है, टाइम लगा देना आपने है ना काकू, क्या ये पापा पता क्या मेरे को इन्होंने लेट कराया उस दिन भी, 10:30 बजे मैं निकला, 10:30 बजे मैं निकला और मेरे को बोल रहे बस अभी आए, आधे घंटे में आ गए, कभी बोल रहे बर्तन धोने को है, कभी बाल नहीं लगे सूखने, कभी कुछ। कितने बजे के बाद तेरी छुट्टी कब तक है? तो एक काम कर रहा ना, इसको आज हमारे पास छोड़ना और खुद पर है रिबॉन है तो आप भी हमारे पास रुक जाओ फिर, बोले इसको पूछ रहे मेरे को नहीं पूछ रहा तो उसे दान दे रहो है मौर्य आया मासी के पास, मासी क्या क्या लगू ये दीदी 18 तारीख को पेपर है पापा उसने मुद्दा मैंने गलती छेड़ दिया, पापा ने बोला ऐसा क्या खास था पहले मेरे को ये बता आपको अभी दिखाऊंगा मैं जो फोटो खींच के लाया हूँ ना, बस भाई साहब को ये बोलना कि इस तरीके की डेकोरेशन चाहिए हमारे को, ऐसे वूफर चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। मैं वूफर नहीं बोल रहा हूँ पापा, मैं बोल रहा हूँ इस तरह की वूफर भी होने चाहिए ना, आप कई बार स्पीकर भी एड़े लग रहे हो बजने तो फरवरी में डोरू खाली हो जाएगा वाला ना, खाली क्यों कर देंगे जब इतनी मेहनत करी है तो खाली क्यों करना। अच्छा मतलब आप चूल्हा दिखाना चाह रहे हैं कि चूल्हे में नजर नहीं पड़ी इसकी, बस चूल्हा ये बोलो कि बेटा चूल्हा देख जाके। तो पापा बोल रहे हैं कि मुझे सबसे अच्छा चूल्हा लगा, पापा किसने बनाया ये?
नहीं 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 यार, आप नहीं बना सकते। हैं? वही बोल रहा हूँ ना कि चूल्हा तो बढ़िया बन गया चूल्हा तो। अभी क्या परमानेंट बाहर ही रहना? पांदी भी रखो कुछ देर, बढ़िया लगे यहाँ बैठ के, तो मॉइस्चर नहीं बैठेगा सिर के ऊपर। अच्छा गर्मियों के टाइम में। हाँ चूल्हा तो बढ़िया बनाया है। सबसे बढ़िया कि सास ससुर आंटी ने बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना इसको लिपा है। क्या बोलो, लिपा बोलो, क्या बोलो, लिपाई। खाने खुने को नहीं कुछ सास ससुर आंटी? अरे यार, एक तो मैं नीचे रुका भी नहीं ना, मैं लाया भी नहीं कुछ। क्या खाने में? बिस्किट दे दो। नहीं नहीं बिस्किट दे दो, बिस्किट दे दो। कौन सा? करेला बिस्कुट। कपड़े भी नहीं लगेंगे सासू आंटी, ये किसी की लग रही टेंशन लेने तुझसे। अच्छा जी, ये देखो वाइट वॉश वगैरह हो चुका है और पूरा जो है ना सामान यहाँ बिखरा पड़ा है, ठीक है। और जितना बड़ा घर होगा ना भाई, उतनी डेकोरेशन के लिए सामान लगता है, उतना ही मेहनत लगती है, ठीक है। इसमें देखो अभी धूल बैठी, इसको साफ किया जाएगा। और ये है मंदिर वाला धूप, मंदिर वाला है वो, जहाँ मंदिर रहता है वो है ये। और वाइट वॉश हो चुका है और ये ससुर जी ने जो है मनी प्लांट लगा रखा है। ये मनी प्लांट कहाँ तक पहुँच गया है देखो, पापा बोल रहे हैं इसको मैं मनी प्लांट को ना पूरे घर तक लपेटूंगा ताकि मनी मनी हो जाए। और ये हॉल, एक ये वाला कमरा है, ठीक है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और एक ये वाला, और एक ये वाला। और अभी काम करना पड़ेगा हमारे को यहाँ, क्योंकि सारी सेटिंग करके हमको जानी, क्योंकि सास ससुर जी लगे रहेंगे, इसलिए सोच रहे क्यों ना हम भी। मैं स्पेशली तभी आया हूँ ताकि मैं इनका हाथ बटा सकूँ और जो जो मेरे मतलब का काम होगा वो मैं करूँगा, ठीक है। ये क्या फेंका हुआ है? अच्छा ये तो बर्थडे, तो फिलहाल अभी के लिए यही है। और थोड़ी देर में मैं आपको किचन भी आपको दिखाई देता हूँ मैं साथ साथ। अच्छा किचन बचा, भी किचन नहीं हुआ। हाँ देखो ऐसी साली बोले काम करो, जीजे को काम करने के लिए बुलाया हुआ दीदी, ऐसा क्यों मतलब स्पेशली बुला लिया मुझे काम करने के लिए, स्पेशली बुला लिया। हाँ थोड़ा सा आपको ये नहीं लगता यार जिज्जे को बोलना काम के लिए ऐसा, और नहीं लगता थोड़ा सा दीदी? अच्छा तो चकोने लगी रहे बात, बोला जीजा जी बर्तन भी दो तो मजा ही जाना काउंट है। इसको रगड़ो जिसकी शादी है ना, इसको रगड़ो सबसे ज्यादा, इसको रगड़ो जिसकी शादी है। हमने तो आराम से बैठना चाहिए हमारे को तो। अरे दीदी 250 ग्राम तो यार इसने भारी काम तो चकना नहीं है अभी दीदी। क्यों मेरे को भारी भारी काम बोलो, क्या है करने को, इतना कुछ है यहाँ पर। और मुझे नहीं, मैंने नहीं कहना, बस मैंने काम करना है और टाइमली फटाफट निकलना है हमने यहाँ से, मोटा मोटा काम। धूल मिट्टी ये साफ कर देंगे ना हम लोग, भारी सामान वगैरह जो भी अलमारी के अंदर रखने का सामान है और जो ऊपर चढ़ाना है वो बताओ मेरे को। अरे यार वो वहाँ खड़े हुए बंदे, पापा ये सामान कहाँ रखना है बताओ जरा, आओ जरा दो मिनट। अच्छा ये भी सासू आंटी बोलो, सासू आंटी से पूछना, मतलब सासू आंटी से पूछना। पापा को मैंने अपनी तरह ही बना दिया हुआ, ऐसे बहुत कम ससुर जी होते हैं जो दमादों की तरह बन जाते हैं। मतलब सासू आंटी से पूछना बड़ी। अरे ये ठीक है, ये है किसका है ये? पूजा दीदी का, मेरे पास तो है यार। अरे दीदी को चाहिए होता है, रहने दो। पूजा दीदी ने बोलना कि बच्चा मेरा हेड़ा है सारी चीज चक्की के ले जाओ। नहीं नहीं, इसका टूटा हुआ उसने बोला। नहीं नहीं, वो जो टूटा हुआ था वो बाहर पड़ा है शायद, यही हो ना। नहीं यार दीदी ये तो ठीक है। और दीदी ये पूजा दीदी ने एक्स्ट्रा रखा हुआ है यहाँ पर, कहते हैं वो मेरे से ना बार बार नहीं लाया जाता तो यहाँ के लिए उन्होंने ये क्या बोलते हैं यार इसको, ट्राईपॉड रखा हुआ।
पापा बोल रहे हैं कि सासू आंटी को पूछ अपनी। तू वीडियो भी बना ले, तू रहने दे, काम हम कर लेते हैं। वीडियो तो अच्छा हो गया ना? कई ये वाला इसमें अच्छा सुना वो जिनसे देखा हो उससे देखा क्या? तो उसको अब आजकल बड़ी दिक्कत हुई है ना, हफ्ते भर से वो ग्राउंड में ही है, है ना? एक मिनट पहले है बोले हैं हाँ आपने आपने बोला उसको कि आपने बोला ना कि मैंने बुलाया उसको, उसमें क्या है गलत क्या है उसमें? अरे यार देखे क्या बोल देना आप तो दीदी बता कि आप ना एकदम जिसे बोलते हैं ना एकदम साइड से निकल जाते हो आप। हाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैंने वहाँ बुलाई तो है, वहाँ पर वो देख रही है, उसके पेपर भी है, सही बात है। मजे इतनी मजे करने आई रहे, ऐसे काम करने आई रहे, इतनी काम में आ से इतनी, देखो क्या कितना खरारा पड़ा हुआ है इधर। देखो फरवरी में शादी है, मेरे को तो टेंशन होगी वहां के तो टेंशन हुई कि नहीं थी एक तो जीजा जो इतनी आई रहा, बाकी जीजे तो बिजी शेड्यूल है, आसी है बेलने कभी हो रहे कभी बोरे। अच्छा आप सही बोल रहे दीदी, आपने तोड़ा तो नहीं है? नहीं मैंने कहा तोड़ा, मैंने तो ऐसे ही पकड़ा इसको। नहीं नहीं दीदी आपने तोड़ा यार ये। अरे आप चलो दीदी, दीदी आपका ब्लॉग देखेगी ना उनको पता लग जाएगा यार बड़ी दीदी ना ये करो ये बस सामान तोड़ दे रोगी। हाँ हाँ फटाफट दो, मैं पर्दे लगाता हूँ, दो बस ऐसे डंडा ये पकड़ाते रहो और मैं लगाता रहूँगा दो। साइज देख लो ना, इधर छोटे वाला लगेगा दीदी। तो पहले हम लोग काम कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे जैसे जो काम सेटल हो पाएगा उसके बाद ब्लॉग बनाना शुरू करूँगा। फिलहाल क्योंकि वीडियो बनाऊँ या फिर काम करूँ तो फिलहाल उसको यहीं मैं स्टॉप कर देता हूँ।